हाय फ्रेंड्स, मैं आशमन ओन ब्यूटी से। मेरे चैनल में आप सभी का ढेर सारा वाला वेलकम है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक हमारा स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे कि ये कैसा स्प्रे है, ये कैसे हमारे फेस पर वर्क करता है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है या नहीं रहता है, कि ये हमारे फेस पे किस तरीके मेकअप हमारा सेट रखता है या नहीं रखता है। एंड आप देख सकते हो मैंने इसका पूरा कवर अभी वैसे का वैसे ही है, मैंने इसे ओपन भी नहीं किया। मैंने सोचा कि फर्स्ट इंप्रेशन क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए। सो चलिए देखते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो तो नीचे में एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा बेल आइकन भी आएगा, उसे भी बजा दीजिएगा ताकि आप लोग मेरे अपकमिंग वीडियोस हमेशा नोटिफाइड रह सको। और आप लोग को मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूले। सो चलिए देखते हैं हमारा ये स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरीके का पैकेजिंग आता है। ऊपर से थिन प्लास्टिक पैकेजिंग है और अंदर से कार्डबोर्ड है और अंदर में हमारा स्प्रे है। सो इस पर लिखा हुआ है मेकअप फिक्सर नेचुरल, मींस ये आपके फेस को नेचुरल रखेगा। और इस पर लिखा हुआ है एलोवेरा विथ वाइटामिन ई और नीचे में लिखा हुआ है स्विस ब्यूटी। और इसका कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग है और इस साइड पूरा ये ब्लैंक है हमारा। और इस साइड कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए जो कि हम लोग देख लेते हैं। इस पे हमारा प्राइस हाइट किया हुआ है क्योंकि मैंने ये लोकल स्टोर्स लिया था। सो देखिए, ये ऊपर में एक स्टिकर लगा करके इसका मेन प्राइस हाइट किया हुआ है। और मुझे ये मेकअप फिक्सर स्प्रे ये मुझे पड़ा 298 का। मैंने इसे ध्यान ही नहीं दिया था कि इसके ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है पहले। अब मैं इसे हटाती हूँ, हटा करके देखती हूँ इसका ओरिजिनल प्राइस नज़र आ जाए शायद। ये पूरा नहीं उखर पा रहा है मुझसे। सो इस पैकेट को हटा करके देखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्विस ब्यूटी लॉन्ग लास्टिंग विटामिन ई इतना दिया हुआ है। यूजेस एंड डायरेक्शंस, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो और इसके डायरेक्शंस क्या है। मेकअप फिक्सर यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर मेकअप इज टू सेट योर मेकअप सो डैट इट कैन स्टे लॉन्ग एंड नॉट बी वाइप्ड ऑफ विद टच ऑफ हैंड्स और रन ऑफ द पर्स्पिरेशन। मीन्स आप लोग को ये कोई भी मेकअप सेटिंग्स पर आप लोग को या तो मेकअप से पहले अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पर या फिर मेकअप के बाद अप्लाई करना चाहिए। आप दोनों टाइप पे भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप से पहले भी इसे यूज़ कर सकते हो और मेकअप के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हो। और इसके यूजेस से आपका जो मेकअप है वो हैंड से ऐसे टच करने के बाद मेकअप आपका हाथ में आएगा नहीं, जो कि मेरा भी नहीं है क्योंकि मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया था, बट मैंने DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया हुआ था। और इसमें और लिखा हुआ है स्प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड लेट इट ड्राई बिफोर अप्लाइंग मेकअप और टू सेट मेकअप स्प्रे आफ्टर अप्लाइंग मेकअप। कम से कम इतना डिस्टेंस रखना चाहिए हमें, कम से कम हमें मेकअप को इतना डिस्टेंस पे अपने रखना चाहिए और इतना डिस्टेंस से तब अप्लाई करना चाहिए ताकि डायरेक्टली हमारे फेस पर नहीं आए और कुछ भी एक जगह पर नहीं हो जाए। ये इसमें भी लिखा हुआ है ऐसे हमें अप्लाई भी करना चाहिए। और अप्लाई करने के बाद हमें कुछ देर ड्राई होने देना होता है अपना स्प्रे, चाहे आप मेकअप से पहले करो चाहे मेकअप के बाद करो, उसके बाद हमें कुछ देर तक छोड़ना होता है ताकि ये ड्राई हो जाए। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए इसमें क्या हुआ है। फिक्सिंग ग्लू, जो कि हम लोग DIY करते हैं तो फिक्सिंग ग्लू नहीं डालते, बट फिक्सिंग ग्लू की जगह पर हम लोग ग्लिसरीन डालते हैं, वो भी थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है। विटामिन ई अप्लाई करते हैं हम लोग। प्रोप्लाइन ग्लाइकॉल एलो फ्रेग्रेंस प्योरीफाइड वाटर मिथाइल पैराबेन, इट्स पैराबिन, इसमें पैराबिन है, ये पैराबिन फ्री नहीं है। सो अब चलिए इसे हम खोलते हैं, ओपन मैंने नहीं किया है। इसमें फ्रेंड्स प्राइस कहीं भी मेंशन नहीं है और ये हमारा इस तरीके का बॉक्स तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और 289 में हम लोग का ADS का बड़ा वाला मेकअप फिक्सर मिल जाएगा। और ये तो मिनी साया छोड़ देख लो छोटा सा मेरे एक हाथ का। ओके, सो अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें इस तरीके का स्प्रे मिलता है और इस पर भी सेम वही कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारा आपने स्नो स्प्रे अप्लाई किया होगा, जो बर्थडे में ऐसे करके अप्लाई करते हैं तो ऊपर से बबल्स आते हैं, स्नो गिरते हैं, लाइक उसी के जैसे इसके स्मेल है एग्जैक्टली। और कोई भी मेकअप फिक्सर अप्लाई करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। और अब मैं इसे अप्लाई करके देखती हूँ कैसे ये वर्क करता है। ओह गॉड, इसमें तो फेन आ रहा है। पहले तो मैंने इसी स्प्रे किया तो मेरे फेस पर फोम आया इस स्प्रे से,
बट अब देखते हैं। अब सही आ रहा है, फोम नहीं आ रहा है। फ्रेग्रेंस इज ऑसम, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसकी फ्रेग्रेंस। सो अब इसे ड्राई होने देते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी देर में, कितनी जल्दी ये ड्राई होता है, और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये और कैसा कैसा है। 15 सेकेंड्स में ये हमारा ड्राई हो गया, और ये कुछ स्टिकी नहीं है, चिपचिपा टाइप नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी प्यारा लगा। और प्यारा क्या लगा, इसकी फ्रेग्रेंस अमेजिंग है, बहुत अच्छी है ये। गाइस आप लोग को ये ट्राई करना चाहिए, और अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितना देर तक लॉन्ग लास्ट रहेगा, क्योंकि लॉन्ग लास्ट के लिए तो आप लोग को पार्टी में जा करके ट्राई करना होगा। पार्टी में जाने से पहले से लगा करके जाऊँगी, फिर मैं आप लोग को बताऊँगी ये लॉन्ग लास्ट है या नहीं। और फ्रेंड्स मैंने एक इंस्टा स्टोर खोला है, उस स्टोर का नाम ओन ब्यूटी स्टोर है। वहाँ पर आप लोग को मेकअप स्टफ्स एंड ज्वेलरीज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में ढेर सारा मिल जाएगा, वो भी गुड क्वालिटीज़ के। सो वो चेक कीजिएगा, ओन ब्यूटी स्टोर नाम है उस स्टोर का, इंस्टाग्राम पे है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।